कितना? 421। 421 किलो की बाइक है ये? और उस्ताद जी सर्विस भाई हो गई, उस्ताद जी को कर दिया खाली, उस्ताद जी को गाली कर दिया हमने। 20,000 रुपए सर्विस। देख कितने पैसे लगा, सारे दे दो। कितने की सर्विस है बताओ ना। 19,960। वो दिखाओ, सामान भी लगा देखो। सामान भी लगा, सर्विस बताओ खाली, सर्विस सामान को हटा दो। 9,960 रुपए पूरा बिल, प्रमाण पत्र। 9,000 रुपए प्रमाण पत्र है। 9,000 रुपए की सर्विस। अच्छा दिखाओ, कोई नहीं इधर ऐसे सीधा करके आए। नीचे वाले जिले में भाई 9,000 रुपये की सर्विस है और ये टोटल है 19,960। और लगे हैं ना सारे। कि 19,000 की सर्विस बहुत महंगी है वर्सेस 1,000 की, इतनी महंगी सर्विस ये और वो ऐसा है। 9,000 रुपये की सर्विस थी और कहाँ थे तुम? आप कौन? तो काफी देर हो गई। आप बताओ ठीक हो? हाँ सर्विस पक्का है ना? पक्का सर्विस है। हाँ नंबर वन सर्विस हुई है, पहले लगा दिया देखो। अच्छा बता देंगे इसको, एक वो भी लगाना इसमें जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है, फ्रेम साइड में लगानी है। पड़े पड़े अच्छे हैं ना वो? बस वही लगेंगे फिर, बहुत जरूरी है ना फ्रेम स्टार्टर सेफ्टी के लिए। कितना कितना आएगा, कितना बचाएगा? इतना तो आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, तेरी चेंज बढ़ जाएगा। अच्छी फ्रेम स्टार्टर लगवा लेंगे। इतना कितना आ जाएगा फ्रेम स्टार्टर का? फ्रेम स्टार्टर भी इतना कवर कर ही लेता है बेसिकली। इससे बाहर आएगा, लोगों को ना ये नहीं पता होता कि फ्रेम स्टार्टर प्रोटेक्ट क्या करता है। मेन ऐसा लगता है कि वो इंडिकेटर पे बताते हैं इंजन, मेन जो होगा इंजन प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा हाँ, भगवान ना करे कभी गाड़ी गिर जाती, खड़े खड़े भी गिर जाती है तो वो इसको बचा लेगा, इसके स्क्रैचेस नहीं आने देगा। समझदार कैसे कि वो इंडिकेटर तक बाहर आएगा? अरे यार इंडिकेटर वो भी सस्ती चीज, अगर ये टूटती है इसका मोटा खर्चा है। समझदार कहते हैं कि वो इतना बाहर आएगा कि तुम्हारा इंडिकेटर भी बच जाएगा। बहुत समझदार होते हैं फिर वो, आपको पता है कौन होते हैं फिर। तो हाँ मेन तो चला है सर। आपको बाइक चलाने में कोई इशू ऐसे कोई बड़ा नहीं? ऐसा कुछ नहीं, बस जब टर्न करता हूँ तो कई बार बंद हो जाती है। ओके कोई भी लेफ्ट साइड या राइट साइड? हाँ ओके मेनली तो लेफ्ट में। हाँ मतलब मोर दो। ओके बाकी सर सर्विस में आपका जो रहेगा वॉशिंग हो गया, इंजन ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, चेन एडजस्टमेंट होगी, लूप होगी, क्लीन होगी। ओके बाइक का पूरा जनरल चेकअप होगा और जो आपने इशू बताया कि आपका टर्न लेते ही बाइक बंद हो जाती है उसको हम देख लेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है कि राइट बाय वायर है आपका, सो रैम एयर मतलब जब एयर आपके इंटेक होते हैं तो डस्ट वैल्यू आपकी टोटल बॉडी पे डिपॉजिट हो जाती है, सो वो काम आपका मेन रहेगा। ओके बाकी ये सब आपका काम रहेगा, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे का जॉब वर्क रहेगा आपका। वो तो कोई बात नहीं, बस सर्विस ओके हो जाएगी उस्ताद जी, आप उसकी चिंता मत करो, काम आपका बिल्कुल बेस्ट। आप फिर लंबे लंबे राइड पे जाना, कहीं पता लगे बीच में बैठ गए भाई कावासाकी को फोन करो। टेंशन फ्री रहो और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको कुछ क्लीनर्स दिए जाएंगे और मॉडल नया है तो आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है इसके लिए क्योंकि कंपनी ताकि अपना प्रोडक्ट और इम्प्रोवाइज कर सके। अच्छा वो तो हम दे ही देंगे, वो तो जो रियल होगा वही बताऊंगा मैं, जो कुछ होगा वो तो हम दे ही देंगे। लेकिन कुल मिला के बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़बरदस्त बाइक है, बस थोड़ा वेट का इशू है लेकिन अपने को नहीं लगता, लेकिन जो कोई हल्का बंदा होगा उसको पता लगेगा। हाँ जी क्योंकि जब वो बाइक चलती है ना जब तो वो हवा है, लेकिन जब रुकती है ना ट्रैफिक में जाम में फंसे हैं तो सोचता है मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी क्योंकि वेट ऊंचाई में है। हाँ जी
हाँ ये क्या होता है जैसे मैंने भी राइड करे तो प्लस 40 या 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे ये बहुत अच्छी स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल। हाँ उससे पहले थोड़ा सा लगता है। और एक चीज़ और समझिए, क्रूज कंट्रोल कैसा लगता है, क्योंकि उस्ताद जी भी सब में रास्ते लगाए तो मैं बता देता हूँ। हाँ तो क्रूज कंट्रोल वैसे तो मूविंग में लगता है, तो हमारा टेक्नीशियन जब राइड लेगा तो जॉइंट राइड करवा देंगे आपकी, क्योंकि मैं इसलिए लगा था पीछे उस्ताद जो होता है मैं ना लगे। हाँ कहीं क्रूज कंट्रोल बेसिकली आपको क्या होता है कि जब आपका रोड बिल्कुल खाली होता तब आपको लगाना चाहिए, अदरवाइज इसमें आपने लगा दिया तो क्रूज कंट्रोल में ना आरपीएम आपका 5000-4000 का मतलब 60 से ऊपर की स्पीड होनी चाहिए। हाँ जी, सो वो अभी जॉइंट राइड हो गया तो वो हम आपको कंट्रोल भी बता देंगे। और नेक्स्ट राइड कब आपकी खा गई है? या तो गुजरात नहीं, पहले तो जे एंड के की जम्मू कश्मीर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। नॉर्थ में इस टाइम मौसम ठीक है, साउथ में मौसम बड़ा बहुत गर्मी है, और नॉर्थ में जो है साइड से यहाँ से जे एंड के शिमला धर्मशाला शिमला मंसूरी नैनीताल ऐसे आएंगे। तो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो वही अपना सिंपल सा फंडा है, भूखा रहा नहीं जाता लेकिन खाना घर का खाया जाता है, तो घर से लेके आए और गर्म करवा दिया है सर ने, अब आएगा मज़ा। तो ये रहा भाई अपना खाना, अपना घर से पैक होकर आता है। और क्या कह रहे हो, क्या खाते हो भाई? अपना सिंपल सा खाना है, कुकुम्बर अपने खीरे पकाना सर जी, ये अपनी खिचड़ी। तो जो खाना जल्दी हजम होगा वो अपना आप ही ताकत देगा। तो देखा होगा जब बीमार होता है इंसान तो उसे खिचड़ी दलिया ये चीज़ें इसलिए दे जाती हैं कि वो जल्दी हजम हो जाए। और ये भाई अपने दही, तो सर जी इधर खाएंगे रोटी और बिल्कुल आप ही का वेट कर रहा था। देखो मैंने भी नहीं खाई, टाइम हो गया चार चार बज गए और 8-8:30 बज जाएंगे फ्री होते होते हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं। वो डाउट है लगेंगे इसको ही बैठने वाले शायद कवा की नहीं इसमें नहीं है। अरे स्पेशल पॉइंट देती है कंपनी लगाने के लिए है सर जी? हाँ जी, इसी के लिए पॉइंट देती है, वैसे ही दे देती है कुछ नहीं, और भी इसी के लिए। ये ज्यादा मजबूत है, जो कावासाकी के आते हैं ना वो ज्यादा अच्छे नहीं। ये प्लास्टिक है, ये मेटल है तो भाई आपको दिखाते हैं रॉकेट, लेकिन पॉकेट में नहीं आएगा रॉकेट, ये वाला नहीं आएगा, ऐसा रॉकेट है। मजा आ जाएगा देख के, मैंने भी नाम सुना है लेकिन देखने का आज मौका मिला तो मैं सबको दिखा देते हैं। है उस्ताद जी, आज रॉकेट देखोगे? देखने के लिए आए तो कहाँ है रॉकेट, कहाँ है रॉकेट देखोगे? ये खड़ा रॉकेट, तो भाई पूरा रॉकेट है। साइज क्या टायर का? 200। ये तो सच में ही रॉकेट है, नाम ही सही है इसका रॉकेट। कितना? 421 किलो की बाइक है ये। तो भाई 421 किलो की बाइक पर उतार दिया उस्ताद जी। तो भाई 2300 सीसी का इंजन है रॉकेट 3, तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, भाई से पूछते हैं। तो सर जी हाय हेलो। हाँ क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी? ये अपने आप में एक रॉकेट 3 बिगेस्ट इंजन, 2.3 लीटर एंड 421 केजी। ठीक है, व्हेन यू गेट यूज्ड टू तो इसका थोड़ा समझ आ जाता है बैलेंस क्या है। बहुत कंफर्टेबल है, क्रूजर बाइक है, बहुत अच्छी है ट्रायम्फ की, मतलब इनका फ्लैगशिप है ये ट्रायम्फ का। लॉन्ग ट्रायम्फ। और प्राइसिंग क्या है इसका? प्राइसिंग इसका 12.25। वी आर ऑफरिंग न्यू इज़ फॉर 23 लैक्स, इसमें 4 लाख का एक्सेसरी ऑलरेडी है, तो 27 लाख की आती है। हाँ एक्सेसरी के साथ ये 27 लाख। और आप अपना कितना ले रहे हैं इसका? 12.25। मोटर कौन सा है? 2015। और कितने किलोमीटर चलिए? ये 8000। मीटर भी दिखा दे तुम्हें। 8000 तो कुछ भी नहीं है। की कहाँ है इसकी? अच्छा फ्रंट में।
मुझे तो चाबी भी ढूंढनी पड़ी इसकी। करना स्टार्ट। तो बाइक तो बिल्कुल नहीं है ये, 8000 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होते। अब मैं भी बैठ के देखता हूँ। इन दोनों शख्स को तो आपने देखा होगा कई वीडियोस में, हैं? एक तो बाइक उछालता रहता है क्यों? और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बस बढ़िया भी भाई, आता हूँ ऊपर ही आता हूँ। बाइक फैक्ट्री, तो भाई ये बाइक फैक्ट्री है कावासाकी में। तो रीजनेबल प्राइस पे आपको सेकेंड हैंड बाइक अच्छी मिल जाती है, मतलब थोड़ी चली हुई अच्छी प्राइस में मिल जाती है। बाइक फैक्ट्री पीछे दिख रहा होगा आपको, बाइक फैक्ट्री। तो एक कावासाकी का शोरूम है नारायणा, जिस बाइक को देखना हो, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी उस्ताद जी, तो कितना घूमना पड़ता है एक बाइक के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा होता है घर में और बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है। जब तक पॉकेट में है ना तब तक अपना है, जाने के बाद अपना नहीं। तो भाई आके देखे, जहाँ आपका मन करे वहाँ से लें और बेस्ट प्राइस मिले वहीं से लें। और ये कावासाकी है नारायणा का, वेस्ट दिल्ली, दिख रहा होगा आपको। तो इसके नीचे ही है शोरूम छोटा सा, लेकिन बाइकें अच्छी अच्छी हैं बाइक फैक्ट्री के नाम से, तो आके देख लीजिए। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आपका अपना अमित पंघाल, पंघाल व्लॉग्स पे। तो आप देख रहे हैं पंघाल व्लॉग्स और आज का वीडियो है, क्योंकि कईयों के कमेंट आए थे कि फ्रेम स्लाइडर होना चाहिए आपकी बाइक पे और कि 19000 की सर्विस बहुत महंगी है वर्सेस 1000 की, इतनी महंगी सर्विस ये और वो। ऐसा है, 9000 रुपये की सर्विस थी और क्या कह रहे हो, 10000 रुपये, जो 10000 रुपये थे वो थे आपके फ्रेम स्लाइडर के, जो साइड में लगा हुआ बाइक में, जैसे आपने वीडियो में है। तो टोटल मिला के 19000 रुपये था, 9000 रुपये की सर्विस थी आपकी वर्सेस 1000। तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, और वीडियो में आपने देखा और जो बाइक आपने देखी अभी रॉकेट 3, सच में बहुत धमाकेदार बाइक थी, मज़ा आया। मतलब रेस देते ही पूरी बूम बूम हिल रही थी, बहुत पावरफुल बाइक है। और 421 केजी उसका वेट बता रहे हैं, 421 किलो की बाइक, मतलब बहुत हैवी बाइक थी। और आज है, क्या कह रहे हो, टूर नहीं आ रहा, एक धमाकेदार टूर आने वाला है, उसके बाद फिर बड़े बड़े टूर स्टार्ट होना। ऐसे ही प्यार करते रहे पंघाल व्लॉग्स को और पंघाल फिटनेस का, तो आप प्यार करते हैं सब, तो अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेंगी। और एक खुशखबरी आप सबके लिए, जल्दी कल परसों अनाउंस करूँगा, ज़बरदस्त खुशखबरी है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हैं। किस चीज़ की, क्या कह रहे हो, बता दो अभी, बता दो। अरे नहीं नहीं, तो दो दिन का और वेट करें, ऐसे ही प्यार करते रहें। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, अमित पंघाल, पंघाल फिटनेस, दो पेज हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अब थोड़ा वर्कआउट का टाइम हो गया है, फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं, लव यू।